देश की जनता ने 900 गर्त भुगता है देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक काम कोई बता दे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, जो देश के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया गया हो। रेल बेचा, सेल बेचा, एयरलाइंस बेचा, गेल बेचा, पूंजीपति मित्रों को देश की अर्थव्यवस्था का गाढ़ी कमाए उनके चरणों में समर्पित कर दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। दरअसल 9 साल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी के कामों को बखान करने में जुटी है। आरजेडी का क्या कहना है जानते हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ। 9 साल पूरे होने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए। देश की जनता ने 900 गर्त भुगता है देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक काम कोई बता दे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, जो देश के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया गया हो। देश के लोकतंत्र के साथ लगातार मजाक किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार इस साजिश करते रही 9 साल तक। रेल बेचा, सेल बेचा, एयरलाइंस बेचा, गेल बेचा, पूंजीपति मित्रों को देश की अर्थव्यवस्था का गाढ़ी कमाए उनके चरणों में समर्पित कर दी। लेकिन देश की हुकूमत जनता के हितों के लिए काम नहीं की। महंगाई, बेरोजगारी, भाजपा गिना रही है काम। हम तो कर रहे हैं, महंगाई गिनाए, महंगाई है उपलब्धि, बेरोजगारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, छलावा सबसे बड़ा उपलब्धि है, अपने बछड़ों पर कायम नहीं रहना 9 वर्षों के अंदर में सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी की। चीन घुस गया हमारे क्षेत्रों में, झूला झूलते रहे, हमारे जवान शहीद होते रहे, आए 2 दिन में देखिए, 2-3 दिन में पुछ के इलाके में हमारे सेना के जवान शहीद हुए। एकागो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने इन खबरों को दिखाया, परोसा नहीं, जहां सैकड़ों 9 साल में सैकड़ों हमारे सेना के जवान शहीद हुए, कहीं कोई खबर दिखाया? पुलवामा की घटना का उजागर हुआ, सतपाल मल्लिक जी ने सारी बातें रखी पीपुल डोमेन में, कोई जवाब आया? यहाँ तो हर चीज का राजनीतिकरण हो रहा है, पूंजीपति मित्र इनके माले माल हो रहे हैं। नीरव मोदी छोड़ के चले गए, चौकसी चले गए, नेहुल चौकसी गए, नीरव मोदी गए, विजय माल्या गए, देश को छोड़ कर करके सब कुछ लेकर के चले गए। क्या उपलब्धि आपकी है? आपकी उपलब्धि यही है कि विपक्ष के खिलाफ लगातार साजिश करो, देश के लिए काम न करो, धार्मिक उन्माद परोसो, राम रहीम का भेद पैदा करो, हिंदू मुसलमान करो, भाषाई आतंक पैदा करो, जो सच्चाई से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, पाखंड और आडंबर का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। देश चलता है काम की बात से, खाली मन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात तो ये करते नहीं है। हम वही तो कह रहे हैं कि संविधान विरुद्ध आचरण भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र की सरकार का है। वो बंच ऑफ थॉट यहाँ चाहते हैं थोपना, मनुस्मृति लाते हैं, चाहते हैं लागू करना देश के अंदर में, तब तो यार देश का संसद भवन जो नवनिर्मित जो लोकार्पण होना है वो किनके नाम, किनका दिन है? दिक्कत क्या है आप लोग को? सुन तो लीजिए, पहले आप लोग भी ज्ञान का वर्धन कर लीजिए। संवैधानिक आचरण के विरुद्ध किसी को गवाह नहीं बननी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 7(9) क्या कहता है कि सर्वे सर्वा संसद के होते हैं राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति जी रहते, साथ में प्रधानमंत्री भी रहते, और 4 चंद लग जाता। ये तो आमदा है आप रबर स्टाम्प बनाने के, उस पोस्ट को रबर स्टाम्प बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के पोस्ट को जो संवैधानिक पद है, प्रथम नागरिक है। एक मजाक कर रहे हैं आप, बनाए तो वही ना आदिवासी, बनाने से क्या होगा, बना कर करके आपको कहीं जा करके बंद लॉक कर दे, उसी के लिए बनता है क्या? ये गुड़िया नहीं ना है, पुतला नहीं ना है, संविधान के रक्षक हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, संसद के सर्वे सर्वा हैं। संविधान में ऐसा दिया गया अनुच्छेद है। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब विस्तारित भवन का उद्घाटन हुआ तो राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया आप लोग? अरे इनको, इन भाजपाइयों को कहरे का ज्ञान हो तब ना, इनको संसद भवन और विधानसभा समझ में आता है, आता है गरिमा समझ में।
ये सावरकर के लोग हैं ना, ये उनके लोग हैं, वही ना दिन चुन रहे हैं, संविधान से अलग ना बात कर रहे हैं। विस्तारित भवन संसद होता है क्या, विधानसभा होता है क्या? लाइब्रेरी का उद्घाटन को संसद का उद्घाटन से, संसद भवन को उद्घाटन से जोड़ दीजिए क्या? ये तो बेवड़ापन है इन लोगों का, अज्ञानता है। शिलापट तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ये मैं बता रहा हूं ना कि जो लोग अज्ञानी हैं, ये लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानियों की जमघट है। बिहार भाजपा का तो बातें छोड़ दीजिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। अरे बिहार भाजपा राजनीति का नया अवतरण हुआ है, जो राजनीति का लंपटीकरण करना चाहता है। सबकी पता है, सबके बारे में पता ही ना है, बताना पड़ेगा। महंगाई बेरोजगारी पर घिघी बंद हो जाता है देश के अंदर में, अग्रिवीर थोप दिया देश के अंदर में, घिघी बंद हो जाता है। क्या किया देश के लिए जी? किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? क्यों दिहाड़ी मजदूरों की संख्या देश में बढ़ गई? किसानों की आय क्यों नहीं दुगनी हुई? हर व्यक्ति क्यों परेशान है? राज्यों के अधिकारों में कटौती क्यों की जा रही है? संघ व्यवस्था पर हमला क्यों किया जा रहा है? यही उपलब्धि है देश की हुकूमत का। नौ साल में नौ सौ कर तो कर दिया देश का। लोकतंत्र बचाने के लिए देश के लोग आएंगे, 9 साल के बाद इन नए संसद भवन में इनका चेहरा नहीं दिखेगा। चलिए, अब यह दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि नए संसद भवन में प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं दिखेगा आने वाले वक्त में, लेकिन देखना है कि होगा क्या, क्योंकि 24 भी बहुत जल्द है और चुनाव के नतीजे भी आ ही जाएं। उन्नीस के साथ नमस्कार।